हेलो दोस्तों, 5 किमी रनिंग में आपका जितना भी टाइम आ रहा है, 24 मिनट, 25 मिनट, 26 मिनट, 30 मिनट, 32 मिनट, जितना भी अभी टाइम आ रहा है, मैं 100% श्योर हूँ कि मैं जो बातें आपको बताने वाला हूँ, अगर आपने वो फॉलो किया तो 3 मिनट आपके कम हो जाएंगे। जितना भी अभी टाइम आ रहा है 3 मिनट आपके कम हो जाएंगे। और कुछ सावधानी भी बरतना है, वीडियो में मिस कुछ मत कीजिएगा, पूरा अच्छे से देखिएगा। देखो, अभी जैसे मान लिया आपका 24 का रनिंग है, ठीक है, 24 का रनिंग है, 23 का और 24 का दोनों का प्लान बताने वाला हूँ, 24 का सुबह का और 23 को रात का, ये आपको प्लान में बताने वाला हूँ। तो एक तो 24 को जैसे रनिंग है, तो 23 को क्या करना है, रनिंग बिल्कुल भी नहीं करना है, ना एक्सरसाइज करो तो थोड़ी बहुत कर लेना, रनिंग तो बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं तो यही कहूँगा कि 22 को भी रनिंग मत कीजिएगा, एक्सरसाइज वगैरह कर लेना। और जिनके पेन वगैरह, सीन पेन वगैरह ज़्यादा होता है उनके लिए, और जिनके सीन पेन वगैरह नहीं होता है उनको भी 23 को तो उनको भी नहीं करना है। क्या करना है, पूरा मसल अच्छे से रिकवर करना है और एकदम आपका पेन कहीं नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी आपका दर्द कर रहा है तो 23 को रात को सीन पेन की जो टेबलेट आती है वो ले लेना, पेन सारा ख़त्म करना है, एकदम पैरों का एकदम अच्छे से पेन ख़त्म करना है। आपको नहीं लगना चाहिए मेरे कहीं दर्द हो रहा है, 1 मिनट वैसे भी कम हो जाएंगे, ठीक है। तो एक पूरी टेबलेट ले लेना। उसके बाद क्या करना है कि उस दिन 23 को आपको खाने का एकदम अच्छे से ध्यान रखना है। क्या क्या लेना है उस दिन, मौसमी का जूस ले, तो पूरे दिन मौसमी का मतलब 2-3 बार जूस ले लेना, नारियल का पानी, ये सब चीज़ें 23 को पीना है आपको, 23 को, जब जाके 24 को ये काम आने वाली है। नारियल पानी हो गया, मौसमी का जूस हो गया, और जो चीज़ बहुत ज़्यादा एनर्जी दे, गन्ने वगैरह का नहीं देना, गन्ने का जूस मतलब इंस्टेंट एनर्जी देता है, मतलब जिस दिन रनिंग है, रनिंग से एक दिन पहले वहाँ लाओगे कैसे, तो इसलिए मैं बताऊँगा भी नहीं। मुझे पता है कि गन्ने का जूस से पी के भागते हैं तो उससे टाइम में कमी आती है, लेकिन उस टाइम ये मौजूद नहीं होता तो मैं बताऊँगा नहीं। क्या बताने वाला, ध्यान से सुनिएगा। देखो कि एक दिन पहले ये सब कर लिया तो ये मौसमी वगैरह के दूसरे दिन काम आएगा, लेकिन और रनिंग के पहले क्या खाना है वो भी बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखो तो रात को ये ले लिया, और आपको क्या करना है कि 10 एक डेरी मिल्क ले लेना है, 10 रुपये वाली 10 डेरी मिल्क ले लेना है, ठीक है। 5 तो खा जाना है सोते टाइम, ठीक है, 5 तो सोते टाइम खा जाना है। क्यों, इसके पीछे का कारण बता देता हूँ कि अपनी बॉडी में जो थकान होती है ना, उसको चाहिए ग्लूकोज चाहिए, ठीक है। तो ग्लूकोज की पूर्ति कौन करेगा, ये करेगा, डेरी मिल्क बहुत ही ज़्यादा असरकारक है इसमें, तो वो ग्लूकोज बन जाएगा। और वो काम कब आएगा, रात को खाओगे ना तो ग्लूकोज शरीर में अच्छे से वो बन जाएगा, ठीक है। तो वो काम कब आएगा, वो काम आएगा आपके सुबह रनिंग के टाइम, रनिंग में जब थकोगे ना तो वो वहाँ से रिलीज होगा बॉडी से और अपने वहाँ से पूर्ति कर देगा, ठीक है। ये बात तो आपको समझ आ गई। अब क्या करना है, दूसरी बात कि रनिंग से पहले मान लिया 9 बजे से आपकी रनिंग स्टार्ट है, 8 बजे वो 5 डेरी मिल्क जो बची है ना, वो 5 डेरी मिल्क जो बची है वो खा लेना है आपको, ठीक है। दो रनिंग से पहले खा लेना है, 2, 8 बजे, 7 बजे जो भी बैग में डाल के ले जाना, वहाँ खाते रहना, ठीक है, वो खा लेना अच्छे से। और क्या करना है, सुबह छः बजे गर्म पानी में आपको 1-2 रुपये वाला कॉफ़ी का पाउच पूरा घोल के घटका जाना है, ठीक है, पूरा घोल के घटका जाना है कॉफ़ी का पाउच। लेकिन ध्यान रहे, हर किसी की कॉफ़ी सूट नहीं करती है, गैस वगैरह बन जाती है, तो वो आपको चीज़ वो अच्छे से ध्यान रखना है आपको, ठीक है। एक दिन पहले ट्राई कर लेना, कॉफ़ी में क्या होता है, कैफीन होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा रनिंग के लिए असरदार होता है, और उससे आपके 1-2 मिनट आराम से कम हो जाएंगे उससे। अब जितना कुछ बताया वो सब चीज़ें मैं अगर आप फॉलो करोगे तो 100% श्योर है 3 मिनट आराम से कम हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, आप देख लेना। और फिर रनिंग करने के बाद इस वीडियो के नीचे आकर कमेंट कर देना, अगर फ़र्क नहीं पड़े बता देना, क्योंकि ये सब चीज़ें फॉलो की हुई है मेरे, इसलिए बता रहा हूँ, तो आप भी करना। और देखो, बहुत सारे आप चैनल देखते होंगे यूट्यूब पे, तो उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि मैं आपको ऐसी जानकारी देता हूँ कि हर कोई नहीं बताता है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब ऐसे भी बता देते हैं कि ये डाइट खाना है, ये डाइट लेना है, ये लेना है, वो लेना है, बादाम खाना है, वो खाना है। मुझे पता है मिडिल क्लास फैमिली कहाँ से लाएगी, किसमिस खाना है और पता नहीं अंजीर वगैरह क्या क्या नाम लेते हैं। मुझे पता है कि मिडिल क्लास फैमिली ये सब एफर्ट्स नहीं करते हैं, जो जीडी का बच्चा होता है ना,
वो रेस बाप की औलाद नहीं होता है, इसलिए आपको क्या करना है कि जो मुझे ये चने वगैरह ये खा सकते हैं, चने सोयाबीन ये वगैरह खा सकते हैं बाकी। और तो ये तो पहले की डाइट है, ये हाथों दिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जो बताया है हमें वो फॉलो कर लेना। हर कोई आपको ऐसी जानकारी नहीं देगा, मैंने मेरा खुद का ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे मतलब कैसा एक्सपीरियंस है वो बता देता हूँ। जब मैंने ऐसे CPO के लिए जो रनिंग की थी, मेरा 7 मिनट टाइम आ रहा था, तो 1600 मीटर में 1 मिनट कम हो गया, वहाँ 1 मिनट कम हो गया, 6 मिनट हो गया, तो ये फ़र्क पड़ता है। 7 मिनट से ऊपर ही आ रहा था, लेकिन वहाँ करके आ गया। 5 किमी में भी फ़र्क पड़ा है मेरे, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। वो सब आपको मैं इस पे नेक्स्ट वीडियो में कभी दिखा दूंगा कि इन इन बच्चों के ये हुआ है, वो देख लेना। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।